हाय दोस्तों, मेरे चैनल टेक शेफ नेहा में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एकदम मज़ेदार मंचूरियन लॉलीपॉप। बच्चे और बड़े ये सभी को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं, वो भी कुछ खास टिप्स के साथ। सबसे पहले हम मंचूरियन बना लेते हैं। यह मैंने एक पैन ले लिया है, हमारा पैन गर्म हो चुका है। हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, मैंने इसमें थोड़ा सा लहसुन डाल दिया है। लहसुन आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमारा लहसुन थोड़ा पक चुका है, अब हम इसमें थोड़ा सा अदरक डालेंगे। अदरक को मैंने बारीक चॉप कर लिया था, हम इसे अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। अब हम इसमें एक बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। प्याज को हम थोड़ा ही सॉफ्ट करेंगे। यहाँ मैंने एक रेड चिली बारीक काट कर डाल दिया है, आप ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने एक चम्मच सोया सॉस डाला है, एक चम्मच टोमेटो सॉस डाला है और एक चम्मच ग्रीन चिली सॉस। हम इसमें एक चम्मच शेजवान सॉस डाल देंगे। हम सॉस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए डाला है, आधा चम्मच काली मिर्च, अच्छे से मिला लेंगे। अब यहाँ मैंने आधा चम्मच चीनी डाला है, चीनी हमारे सभी सॉस का टेस्ट बैलेंस रखने के लिए डाला है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। अभी यहाँ मैंने सिर्फ 150 ml पानी डाला है, ग्रेवी की थिकनेस के हिसाब से हम और पानी ऐड कर सकते हैं। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ मैंने नमक डाला है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब हम इसको बॉईल होने तक का वेट करेंगे। अब हम वेज मंचूरियन मसाला लेंगे, ये इजीली मार्केट में मिल जाएगा। मैंने 2 चम्मच मसाला ले लिया है, इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के मिला लेंगे। इसी पेस्ट में हम 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे, अच्छे से मैश कर लेंगे और ग्रेवी को चलाते हुए मंचूरियन का जो मैंने घोल बनाया है उसको डालेंगे। ध्यान रहे इसमें कोई भी गांठ ना पड़े, हम अच्छे से मिला लेंगे। और अगर आपको ग्रेवी गाढ़ी लग रही है तो थोड़ा थोड़ा आप पानी भी डाल सकते हैं। हमारी ग्रेवी अब उबलने लगी है, अब हम गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे। मैंने यहाँ पे हरी धनिया लिया है, धनिया को मैंने बारीक काट लिया था, 1 चम्मच बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और 1 चम्मच बारीक कटी हुई गाजर, हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी ग्रेवी एकदम तैयार हो चुकी है। हमारी यम्मी मंचूरियन एकदम रेडी हो गई है। तो चलिए अब हम लॉलीपॉप बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक बारीक कटी हुई प्याज डाली है, एक बारीक कटी हुई गाजर डाली है, एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाली है और यहाँ मैंने 1 कटोरी बारीक कटी हुई पत्ता गोभी ली है, ये ऑप्शनल है। और अगर आप पत्ता गोभी डाल रहे हैं तो यहाँ 1/2 चम्मच नमक डाल के आप इसे 5 मिनट के लिए रख दीजिएगा। हम सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी सब्जियों को 5 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए अब इसका हम पानी निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कॉटन का कपड़ा लिया है, सारी सब्जियाँ इसमें हम डाल देंगे। अब हम इसका पानी निकाल लेते हैं। मैंने 1 कटोरी ले लिया है, मैंने इसमें सारा पानी निकाल लिया है, अब हम इसको भी बाद में यूज़ करेंगे। इस तरीके से आप निचोड़ के पानी निकाल दीजिएगा। यहाँ मैंने सब्जियों से सारा पानी निकाल दिया है, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। यहाँ मैंने थोड़ा सा पनीर लिया है, पनीर को मैंने घिसा नहीं है, मैंने स्पून से ऐसे इसको तोड़ लिया है। हमारी पनीर रेडी हो गई है। यहाँ मैंने 6 उबली हुई आलू ले लिया है,
आलू को हम अच्छे से मैश कर लेंगे और हम इसमें सारा पनीर डाल देंगे। थोड़ी सी हरी मटर डालेंगे और ये जो मैंने सब्जियों का पानी निकाला था सारी सब्जियां हम इसमें डाल देंगे। और यहाँ मैंने 4 से 5 चम्मच ब्रेड क्रम्स के डाले हैं, थोड़ा सा हरी धनिया, 1 रेड चिली काट कर डाल देते हैं, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, काली मिर्च को मैंने बारीक कूट लिया था। और यहाँ मैंने लहसुन अदरक का 1 चम्मच पेस्ट डाला है, लहसुन अदरक को आप घिस के भी डाल सकते हैं। मैंने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, कश्मीरी लाल मिर्च से कलर बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ अब हम बाइंडिंग के लिए 1 चम्मच मैदा डालेंगे और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे नहीं तो हमारा डो गीला हो जाएगा, 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच गरम मसाला। हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ मैंने कुछ आइसक्रीम स्टिक्स लिए हैं लॉलीपॉप बनाने के लिए। हमारा डो रेडी हो गया है, तो चलिए अब हम लॉलीपॉप की स्लरी बना के रेडी कर लेते हैं। जो मैंने सब्जियों से पानी निकाल के रखा था इसमें हम 3 चम्मच मैदा डालेंगे। कलर के लिए 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिलाएंगे जिससे इसमें कोई लम्स ना रह जाए। अब हमारा कलरफुल स्लरी बनके एकदम रेडी हो गया है। यहाँ मैंने 1 प्लेट में ब्रेड क्रम्स ले लिया है। अब हम चलिए लॉलीपॉप बनाना शुरू करते हैं। मैंने हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। लॉलीपॉप को हम ओवल शेप देते हुए इसमें स्टिक लगा देंगे। इस तरीके से स्टिक हम लगाएंगे। ध्यान रहे जब भी हम लॉलीपॉप के लिए अपना आलू मैश करेंगे तो आलू एकदम ठंडी होनी चाहिए, आलू गर्म नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारे लॉलीपॉप क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इस तरह से स्टिक लगाते हुए हम सारी लॉलीपॉप रेडी कर लेंगे। लॉलीपॉप को आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप दे सकते हैं। मैंने यहाँ सारा लॉलीपॉप बना लिया है। और यहाँ मैंने तलने के लिए तेल चढ़ा दिया था गैस पे। हमारा तेल गर्म हो चुका है, चलिए हम लॉलीपॉप रेडी कर लेते हैं तलने के लिए। मैंने लॉलीपॉप को स्लरी में डिप करके लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। इस तरीके से हम अपना लॉलीपॉप रेडी कर लेंगे। अब लॉलीपॉप को हम तल लेते हैं। गैस फ्लेम हम मीडियम रखेंगे जिससे हमारी लॉलीपॉप जले ना। इस तरीके से हम स्टिक सपोर्ट में रख के तल लेंगे। अब हम इसे घुमा घुमा के लॉलीपॉप तल लेंगे। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे जिससे सब्जियां हमारे अंदर से अच्छे से पक जाएं। हमारा लॉलीपॉप अच्छे से डिप नहीं हो रहा है तो हम इस स्पून की हेल्प से ऊपर डाल के इसको पका लेंगे। हमें बहुत सारा लॉलीपॉप एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पकाएंगे। इसी तरीके से हम अपना सारा लॉलीपॉप तल लेते हैं। अगर इस लॉलीपॉप को आप एक बार बनाएंगे तो आप बार बार बना के खाएंगे, इतना टेस्टी ये लॉलीपॉप होता है। अब हमारी सुपर क्रिस्पी लॉलीपॉप रेडी हो गई है, चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। हम लॉलीपॉप को विदाउट मंचूरियन भी सर्व कर सकते हैं, इस तरीके से सर्व करके दे सकते हैं। अगर आपको हमारी ये डिश पसंद आई हो तो ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी लॉलीपॉप कैसी बनी थी। ध्यान रहे जब आप लॉलीपॉप को सर्व करें तभी ग्रेवी डालें, नहीं तो ये सॉफ्ट हो जाएगी।
चलिए अब हम अपनी ग्रेवी को भी डाल के दिखा देते हैं। इसके साथ खाएंगे तो लॉलीपॉप और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। इस तरीके से हम लॉलीपॉप के ऊपर सारी ग्रेवी डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके। चाहे तो आप लॉलीपॉप को डिप करके भी निकाल सकते हैं ग्रेवी में। अब हमारी यमी मंचूरियन लॉलीपॉप एकदम रेडी हो गई है खाने के लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।